रास्ते को बोलते हैं जुले। कल रात को मैं लियो पहुंच गई थी और रात में ही मैं अपनी मासी के घर आ गई थी। एंड अभी जो है मुझे ब्राइड के घर पे जाना है। आज वहाँ पे मेहंदी फंक्शन है और कल वेडिंग है, तो थोड़ी सी देर में जो दीदी है वो मुझे लेने आ जाएंगे, क्योंकि ब्राइड के घर से मेरी मासी का घर काफ़ी दूर है एंड वहाँ पे भी अभी जो फंक्शन वगैरह वो स्टार्ट हो गया है। तो मैं अभी आप लोगों को वहाँ जाके दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसी होती है शादी यहाँ पे। वैसे तो मैंने ये वाला व्लॉग, यहाँ अप्पर की शादी का जो व्लॉग है, वो मैंने पहले भी बनाया है, बट मैंने वो व्लॉग जो है सिर्फ वेडिंग का बनाया है, उससे पहले का नहीं बनाया है, और क्या शुरुआत वगैरह होती है उसका कुछ नहीं बनाया है। तो आज हम वो सारी चीज़ें देखेंगे, प्लस जो खातिरदारी अप्पर में होती है ना मेहमानों की, वैसी खातिरदारी मुझे नहीं लगता कि किन्नौर में और कहीं इतनी अच्छी होती है। खातिरदारी तो सब जगह अच्छी होती है, पर यहाँ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। तो अभी आ जाएंगे दीवर लेने, तो चलो फिर यहाँ से चलते हैं। और जो मेरी ब्राइड है उनकी ये बड़ी शादी है। किन्नौर में छोटी शादी और बड़ी शादी दो शादियाँ होती है, पहले छोटी शादी होती है फिर बड़ी शादी होती है। तो जिन दीदी की शादी है उनकी ये बड़ी शादी है, उनके दो बच्चे भी हैं, तो उन सबसे भी मिलेंगे। चल तो देखो मेरी दीदी मुझे लेने आ गई है इतने अच्छे लग रहे हैं, फिर भी बोलते कि मुझे निहारा क्योंकि मैंने मुंह धोया आगे दिखाओ ना इनको और बाकी लोग। हेलो 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 जी, वेलकम टू लियो, थैंक यू सो मच। तो मैं और दीदी बस अब शादी वाले घर में पहुंचने ही वाले हैं। गेट से अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, शादी की तैयारियाँ कैसे कैसे हो रही है। लेट्स गो। ये है शादी वाला घर और ये है जी दुल्हन। दुल्हन का हालत खराब है और ये दुल्हन का बेबी। हेलो हेलो करो, कौन हेलो। नमस्ते नमस्ते सबको, सबको नमस्ते। जुले जुले जुले, कौन कितना जीत रहा है? जीत चली रहा, हमने क्या कर दिया जी। और यहाँ पे जो है तंबोला का गेम चल रहा है, देखो यहाँ सारे लोग तंबोला खेल रहे हैं, शादी में काम नहीं करके और हाँ वैसा गाइड। इनके दो बच्चे हैं, तो यहाँ पे इनकी आज जो है बड़ी शादी है। छोटी शादी कब हुई थी दीदी? 2014 में। टाइम भी रात के 7 बजे यहाँ से ले गए। जुले जुले काम कर रहे ये है, कल के खाने की तैयारी कर रहे हैं। जुले जुले आने, जुले आने सबको, जुले जुले जुले। हेलो हेलो करो, हेलो करो। नमस्ते जुले आने, मुबारक हो बेटी की बड़ी शादी। और यहाँ पे देखो हमारी बाबियाँ बर्तन बर्तन धो रही है। हेलो हेलो, हमारे रिवाज होते बाबियाँ बर्तन धो। हेलो हेलो जी, जुले जी आप लोग वाला चाय पानी। ये देखो ये है वो कल जो मैं आपको फूल दिखा रही थी, गंदा में लोग बोलते हैं इसको। यहाँ खातिरदारी बहुत अच्छी होती है, तो देखो मेरे आती है यहाँ खातिरदारी में जुटी मेरी दीदी और उनकी फ्रेंड। एंड थैंक यू जी, थैंक यू। नहीं ठीक है। तो ये है दीदी का बेटा और जो दीदी की बेटी है वो चांगो में है, वो कल बराती में अपने पापा के साथ आएगी। हाय करो, हाय करो पापा, हाय करो बेटा। तो अभी है लंच टाइम और लंच टाइम में जो है गांव के कुछ लोग जो यहाँ पे काम करने आए हैं उनको खाना वगैरह खिलाया जा रहा है। तो बाकी लोग जो काम करने वाले हैं वो तो बाहर बैठ के खा रहे थे। तो जो गेस्ट वगैरह हैं और जो शादी में दूसरे गांव वगैरह से आए हैं उनको यहाँ पे अंदर बैठ के खाना खिलाया जाता है। तो खाने में बना था कढ़ी दाल रोटी चावल एंड आई लव कढ़ी। वगैरह खा लिया मैंने और बाकी अभी जो गांव के लोग हैं वो लोग खाना वगैरह खा रहे हैं। तो आज तो सिर्फ गांव वाले लोग ही आएंगे और नियर बाय जो भी लोग शादी के लिए आएंगे उनके लिए ही खाना वगैरह बनेगा, क्योंकि बारात वगैरह तो कल आनी है, कल शादी है, आज सिर्फ मेहंदी का। अभी मैं दीदी और देचिन दीदी हम लोग तीन मिल के ब्राइड का जो मेहंदी सेरेमनी के लिए
कमरा सजा रहे हैं, उसके लिए हम बलून वगैरह फुला रहे हैं। ये देखिए मेहंदी का डेकोरेशन कर रहे हमारे किनौरी विंग्स। इतनी मेहनत कर रही है। ये डेकोरेशन करते करते इतना थक गया और देखो हमारे लिए चाय आ गई। थैंक यू जी चाय लाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जरूरत थी अभी चाय की। एंड फाइनली हम लोगों ने सजा दिया है, हमारी मेहनत देखो कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ लियो में जिस घर में शादी होती है वहाँ पे जो गांव के लोग हैं वो शराब और आटा ऐसी चीज़ें लेके आते हैं। वो आ गए हैं दीदी के घर में और अब हम करेंगे अपनी ब्राइड को रेडी। फिर दीदी कैसा मेकअप चाहते हो आप? बिल्कुल हल्का मेकअप। ठीक है तो अब हम लोग दीदी का मेकअप शुरू करते हैं और आपको लास्ट में दिखाते हैं। चलो तो मेरी ब्राइड का मेकअप हो गया है डन। इनको चाहिए था बिल्कुल लाइट और नेचुरल, तो अब करना है इनका हेयर स्टाइल। और हेयर में इनके बाल इतने लंबे देखो। एंड मेरी ब्राइड होगी है रेडी और ब्राइड ने जो है किनौरी ही वो करना है। तो आप बताना मेरी ब्राइड कैसी लगी, आपको कैसा लगा मेकअप? बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अब हम लोग सारे हो गए हैं तैयार, देखो मेरी ब्राइड हो गई है तैयार, उनकी फ्रेंड्स हो गई तैयार। अब हम लोग जा रहे हैं मेहंदी के लिए इनके घर पे, दुल्हन के घर पे। बस तैयार होने के लिए हम दक्षिण दीदी के घर आए थे, अब जा रहे हैं। तो जिस कमरे में मेहंदी सेरेमनी करनी है वहाँ पे अभी जो है दुल्हन की सारे सहेलियाँ और गेस्ट पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अभी पहले डिनर किया जाएगा, उसके बाद जो है मेहंदी का फंक्शन शुरू होगा। डिनर करने के बाद अब जो है मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हाथ में ब्राइड की मेहंदी मैं लगाऊंगी और दूसरे हाथ में दुल्हन की कज़न लगाएगी। YouTube लॉन्ग आई तो लाइन जो और यहाँ पे पैरों पर में मेहंदी लगाने का कोई ज़्यादा रिवाज है नहीं, तो हमने हाथ में भी हाफ ही लगाया, पूरा फुल नहीं भरा। तो एक हाथ में मेरी ब्राइड की मेहंदी लग चुकी है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। लगाई मैंने अपने आप को मेहंदी, तो अभी सारे लोगों ने मेहंदी लगा ली है, अब हम जाके थोड़ी देर तो तेरे जान में।
ठीक है। कमी नहीं मानी।